19 अगस्त को गुलहरिया थाना क्षेत्र के जेपी कॉम्प्लेक्स के पास बड़हरिया बास स्थान रोड पर अपनी पुत्रियों के साथ जा रहे रामजीत राव पुत्र सलहन निवासी परसौना थाना गुलहरिया से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज के सहयोग से लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने राहुल निषाद पुत्र स्वर्गीय निरंजन निषाद निवासी जंगल डुमरी नंबर 1 टोला केवटलिया थाना गुलहरिया, रामबचन निषाद पुत्र चांदवली निषाद निवासी जंगल डुमरी नंबर 1 टोला भंडारो थाना गुलहरिया तथा जयहिंद पुत्र सुदामा निषाद निवासी हरपुर मच्छागर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि 19 अगस्त को लूट की घटना में एक मोबाइल, 500 रुपए, कपड़े व कागजात मिले थे जिसे हम लोगों ने आपस में बांट लिया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये भटक के पास वैक्सीन लगवा के लौट रही महिला से लूटपाट हुई थी, उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से मोटरसाइकिल और पैसे इत्यादि की सामान की बरामदगी हुई है। उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो क्या इनका कोई बैकग्राउंड आपराधिक रहा है? हाँ, उसमें एक है जिसका आपराधिक इतिहास है, बाकी अभी तलाश करवाया जा रहा है।